नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार को लेकर कवायद तेज होती जा रही है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 7 जून को एनडीए संसद दल की बैठक हुई। इस दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी का खास अंदाज देखने को मिला, तो चलिए आपको पीएम मोदी के इस खास अंदाज से रूबरू कराते हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र में नई सरकार के गठन से पहले संसदीय दल की बैठक एनडीए के सभी दलों के नेताओं के साथ पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। इस दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार अमृतकाल के सारथी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मानित से भाजपा संसदीय दल एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने जाने पे हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी नेतृत्व में एनडीए परिवार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवार जनों के सेवा हेतु पूर्णतः संकल्पित है। इस बैठक के बाद सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल के नेता, एनडीए के संसदीय दल के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में चुना जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार भी जब पीएम मोदी इस जीत के बाद पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक के लिए पहुंचे, तो उन्होंने भारत के संविधान को अपने माथे से लगा लिया। उन्होंने झुककर और सम्मान पूर्वक संविधान को अपने माथे से लगाया। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने ऐसा पहली बार किया है। बता दें कि इससे पहले भी 2014 में संसद भवन के मुख्य द्वार पे भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के प्रवेश द्वार पे हाथ जोड़कर भूमि को स्पर्श किया था। बता दें कि इस बार एनडीए ने आम चुनाव में 253 सीटों पे जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 240 सीटों पे जीत दर्ज की है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।